नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज खबर वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने वसई विरार महानगर पालिका के लोगों को धन्यवाद देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन विरार मुख्यालय में किया। आप सोच रहे होंगे वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने क्षेत्रवासी का धन्यवाद क्यों पारित किया और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी, तो उसके पीछे जो आप लोग वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के क्षेत्रवासी, उन्होंने इस गणपति उत्सव में जो महानगर पालिका का सहयोग दिया, उसकी सराहना आज खुद महानगर पालिका आयुक्त ने की। दरअसल इस साल महानगर पालिका ने पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गणपति विसर्जन का बंदोबस्त कृत्रिम तालाब में करने का आह्वान किया था और 92 कृत्रिम तालाब मूर्ति संकलन केंद्र ऐसे स्थापित किए थे जगह जगह पर। और महानगर पालिका ने अपनी तरफ से काफी बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी, लेकिन इन व्यवस्थाओं का अगर जनता सहयोग ना करे तो कोई काम नहीं। जिस संकल्पना से महानगर पालिका ने इन कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की, उसी उत्साह से लोगों ने विसर्जन किया। और इसका आज डेटा जो सामने आया, महानगर पालिका आयुक्त ने बताया है कि अब तक 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जिस दिन भी दिन मूर्ति विसर्जन हुआ है, उसमें अब तक 28,519 विसर्जन हो चुके हैं, जिसका लगभग 65% से ज्यादा 18,039 विसर्जन वसई विरार महानगर पालिका द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में हुआ। अब रही बात, अब लगभग जो बाकी के हैं 10,000 के आसपास, तो उनमें से भी 1500 ही गणपति विसर्जन जो है वो रेगुलर जो भी लेक है जहां पर होते हैं तालाब, वहां पर हुआ है, बाकी की सभी समुद्र में हुए हैं। यानी कि जो महानगर पालिका ने सोचा था पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उस हिसाब से 28,000 विसर्जन में 1500 विसर्जन सिर्फ प्राकृतिक तालाबों में हुए, यानी कि लगभग 5% तक ही विसर्जन बाहर हुआ है। आने वाले 10वें दिन के विसर्जन के लिए भी महानगर पालिका सज्ज है। महानगर पालिका ने अभी ऐसी उम्मीद जताई है कि 2700 विसर्जन अभी भी हो सकते हैं और लगभग ये सभी विसर्जन बड़े पंडाल रहेंगे, बड़े गणपति मंडल रहेंगे और इनकी मूर्तियों की साइज बड़ी होगी ऐसी उम्मीद है, तो अधिकतर इनमें से समुद्र में ही होगी। तो वसई विरार महानगर पालिका ने इस साल गणपति विसर्जन का जो आह्वान किया था, सिर्फ महानगर पालिका ने ही नहीं, स्थानिक आमदार, स्थानिक खासदार, स्थानिक अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी, उसके अलावा संगठनाओं से जुड़े लोग और पर्यावरण रक्षक, ऐसे कई लोगों ने आह्वान किया था, तो उनका सहयोग करते हुए इस तरह से इस साल का यह त्योहार काफी अच्छे से गुजरा। अब आने वाले शुक्रवार को अंतिम विसर्जन है, उसकी भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इतना ही अच्छे से होने वाला है। वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा करने पुलिस डिपार्टमेंट से वसई जोन 2 और विरार जोन 3 के DCP भी आए थे, जिन्होंने भी महानगर पालिका आयुक्त के साथ में सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। और उन्होंने ये बात जरूर कही कि जितना चैलेंजिंग ये लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा आसान इसको क्षेत्रवासियों ने कर दिया। पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और इस पूरे मामले पर काफी
देर तक महानगर पालिका आयुक्त ने पत्रकारों को संबोधित किया। अंत में महानगर पालिका आयुक्त ने क्या कुछ संक्षिप्त जानकारी दी वो आप देखिए आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, इस साल के गणपति विसर्जन के बारे में क्या सूचना है, क्या जानकारी? पर्यावरण पूरा गणपति उत्सव मनाने के लिए महापालिका की ओर से कृत्रिम तालाब का आयोजन किया गया है। करीबन 93 कृत्रिम तालाब महापालिका क्षेत्र में महापालिका की तरफ से तैयार किए गए हैं। इन 93 कृत्रिम तालाब, इनमें 18,000 से भी ज़्यादा 18,000 से भी ज़्यादा गणपति बाप्पा की मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। सर, कुल कितना विसर्जन हुआ उसमें से? आप 65% कुल कितना विसर्जन हुआ? कुल विसर्जन करीबन 28,000 से भी ज़्यादा हुआ है, 28,539। इतने गणपति बाप्पा के विसर्जन 7वें दिन तक हुआ है। इनमें से 18,039 यानी कि 18,039 इतने गणपति बाप्पा का विसर्जन कृत्रिम तालाब में हुआ। 10वें दिन के विसर्जन के लिए क्या? 10वें दिन के लिए भी हम लोगों ने 2 स्टोन क्वारीज है और एक नारंगी जेटी है वहाँ पे विसर्जन की व्यवस्था की है। कृत्रिम तालाब की भी व्यवस्था की गई है और हमारे जो पारंपरिक नैसर्गिक तालाब है वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। सर, इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही? आप और दूसरे सब लोग जो है, किन किन ने आपको सहयोग किया? गणपति उत्सव पर्यावरण पूर्वक होने के लिए महापालिका को पुलिस प्रशासन, विशेषतः हमारे पुलिस आयुक्त महोदय है, DCP महोदय है, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी है उनका, सभी नागरिकों का, गणेश मंडलों का, हमारे जो आमदार महोदय है, खासदार महोदय है, विविध संगठना के पदाधिकारी है, विविध पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारी है, NGOs है या पर्यावरण प्रेमी संगठना है, गणेश मंडल है, सभी का हम लोग पूरी तरह से सहयोग मिला है। और पत्रकार और अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उनका भी बहुत सहयोग हमको मिला। सर, एक आखिरी सवाल, जीवन रक्षक जो है, जो कि विसर्जन में सबसे अहम रोल उनका होता है, क्या कहेंगे समझे? जीव रक्षक जो हमारे स्टूडेंट थे या लोकल सिटीजन्स थे, उनका भी बहुत सहाय हमको इस विसर्जन के लिए मिला है और उनको भी हम हर दिन के लिए 250 रुपीस ऐसा उनको हम मानदान देने वाले हैं। थैंक यू सर। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।